गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जहां मैं बैठा हूं बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आज का मुद्दा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का मुद्दा इतना इंटरेस्टिंग है कि आधा हिंदुस्तान हिल जाएगा, और बहुत बड़ी बात का खुलासा करने जा रहा हूं। जो कुछ लोगों ने इस क्रिकेट पे कंट्रोल कर रखा था, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी करी थी जब इनके पास कंट्रोल था, उस कंट्रोल को थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब एक तो आज सुबह मैंने जब रात को मेरे पास पोस्ट आई, तो सीईओ कह रहा है, सीओए कह रहा है कि 24 डेडलाइन थी इलेक्टोरल ऑफिसर अनाउंस करने की, तो स्टेटों ने तो किए नहीं। इट मींस ये स्टेटें तो अब लोडा कंप्लेंट करने नहीं जा रही, हमारी स्टेट तो नहीं करने जा रही, बाकी स्टेटों का मेरे को पता नहीं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कल रात तक इन्होंने लोडा के रिफॉर्म्स के ऊपर कोई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नहीं भेजी है। इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग फॉर लोडा रिफॉर्म्स। चलो मैं आज मेन मुद्दे पे आता हूं। एक बीसीसीआई ने कुछ साल पहले एक पेंशन स्कीम निकाली थी। उस पेंशन स्कीम में यह था कि 25 रणजी ट्रॉफी जो मैच खेला है, जो 50 मैच खेला है, जो 75 मैच खेला है, जो 100 मैच खेला है, जो इंटरनेशनल खेला है, उनके सबके बाइफर्केशन की हुई थी पैसे की। इसको इतनी पेंशन मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी, 50 वाले को इतनी, 75 वाले को इतनी, 100 वाले को इतनी। कुछ लोगों ने, अब आपको थोड़ी सी हल्की सी बात बताता हूँ, आप अपने आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, उसको कैलकुलेटर खुद कर लेना और फिर मेरे को पोस्ट पे जवाब दे देना। हमारे वरिष्ठ ऑनरेरी सेक्रेटरी एमपी पांडव साहब ने टेक ओवर किया पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को 1978 में, आई तो हो सकता है 79 भी हो सकता है। तो आज की डेट में 40 साल हो गए इनको टेक ओवर किए, तब 40 साल, आज इनकी एज है 73 या 72 या 74, कुछ भी हो गई। तो जब इन्होंने टेक ओवर किया था, इनकी एज थी 34 इयर्स, और क्रिकेट हिस्ट्री के रिकॉर्ड में, बीसीसीआई के रिकॉर्ड में आप गूगल खोलो तो इनका एमपी पांडव में देखो कितने मैच खेलने फर्स्ट क्लास, तो इनके मैच शो करते हैं 75 मैचेस। उसका मतलब क्या है, जो 75 मैच खेला था उसके लिए बीसीसीआई ने, जब ये जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर थे खुद, इन्होंने अनाउंस किए थे कि 25 लाख रुपया वन टाइम पेमेंट उस बंदे को दी जाएगी जो 75 मैच खेला है। तो इसमें कुछ लोग इकट्ठे थे उस टाइम के, तो उन्होंने 75 मैच कर लिए। अब वो मैचों का रिकॉर्ड तो हमें हमारी कैलकुलेशन से तो समझ आया नहीं, आपके कैलकुलेटर में किसी को समझ आया तो मेरे को बता देना। वो रिकॉर्ड के हिसाब से उस जमाने में रणजी ट्रॉफी के मैच 4 या 5 होते थे, और 71 या 65 में पाकिस्तान वॉर हुई, तो उस वॉर के टाइम पे कुछ मैचेस नहीं हुए, लाइट जला, कुछ मैचेस नहीं हुए। तो 77 में ये मैनेजर थे पंजाब की टीम के, और इन्होंने एज ए मैनेजर मोहन मिकन में ग्राउंड में एक मैच खेला था। तो जो 34 इयर्स के थे जब इन्होंने रिटायर हुए, जब इन्होंने पीसीए टेक ओवर करी, तो जब ये क्रिकेट खेलनी शुरू हुए, 75 मैच की बैक कैलकुलेशन करो, तो क्या ये 12-13 साल में रणजी ट्रॉफी खेलनी शुरू हो गए थे? ये आप कैलकुलेट करो। और बोर्ड से तो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये हमारी पीसीपीए की टीम एक अच्छी तरह से लेटर लेकर डीके जैन को डाल रही है, जिन्होंने 75 मैच खेले हैं, बीसीसीआई उसके रिकॉर्ड से देख के हमें बताएगी कि इन्होंने कैसे करें पूरे। और मैं बाकी लोगों को बता दूं जो क्रिकेटर्स हैं जिनके 70, 71, 72 मैचेस हैं, मेरे को जब तक खबर मिली है कि ये उस जमाने में इन्होंने जो विजी ट्रॉफी खेलते थे, इन्होंने विजी ट्रॉफी के मैच भी ऐड किए हुए हैं। अगर इन्होंने ऐड किए हैं तो वो तो पता चल जाएगा, अगर ये कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है वो भी पता चल जाएगा, और जो 72 मैचेस रणजी ट्रॉफी खेले हैं वो भी 8-8 मैच विजी ट्रॉफी खेले हुए हैं, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। परंतु बीसीसीआई ने 21/6 को एक नोटिफिकेशन निकाला है, 21/6/2019 को एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें स्पेसिफाई किया है इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन, उसके मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप के बेसिस बनाए हैं, क्राइटेरिया फिक्स किया है, वो क्राइटेरिया में 2-10 रणजी ट्रॉफी मैच खेला है वो उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, उसका मेंबर बन सकता है। उसमें विजी ट्रॉफी का जिक्र नहीं है, उसमें कोई विजी ट्रॉफी का जिक्र नहीं है। तो ये कैलकुलेशन कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई, अब आप लोगों को सोचना है।
या जिन्होंने दी थी उनको बताना पड़ेगा, उनको बाइफर्केशन भी बतानी पड़ेगी, ये हमने कैसे 75 मैच किए, 74 नहीं थे तो 75 कैसे हो गए, उन्होंने 25 लाख भी लिया और आज तक उसका 30 साल से बेनिफिट भी ले रहे हैं, पेंशन भी डबल ले रहे हैं। तो ये बातें तो पब्लिक हैं, ये पब्लिक में आ गई हैं बातें, तो ये तो बताना पड़ेगा। अगर ये ठीक है तो हम इनको क्लेम नहीं कर रहे, अगर ये ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, और हमारे भी विजी ट्रॉफी के मैचेस हमारे भी इंक्लूड करा दो, हम भी किस मैच खेले, हम 6 मैच विजी ट्रॉफी खेले हमारे भी इंक्लूड करा दो, हम भी 25 के बेनिफिशरी हो जाएंगे। तो ये तो बात अब पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेटरों को सोचनी है, अपना रिकॉर्ड भी चेक करना है और अपनी अपनी लेटर लिखनी है। डीके जैन जो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटेड ऑम्बड्समैन है बीसीसीआई में, उनको लेटर डालो, अब सब अपने अपने क्लेम डालो बीसीसीआई में, हमने इतने मैच खेले थे, हमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, आज जो नोटिफिकेशन निकला उसमें विजी ट्रॉफी क्यों नहीं इंक्लूड की गई। तो ये तो बातें सब समझ आ जाएंगी, तो ये बातें तो समझने का टाइम आ गया, क्योंकि ये लोडा कंप्लेंट करने नहीं जा रहे, कल तक तो रात तक नहीं किया, तो इनको तो इनका पर्पज़ तो कुछ और ही लग रहा है, उस पर चर्चा बहुत आराम से बाद में करेंगे। आज हर क्रिकेटर हिंदुस्तान का अपने अपने रिकॉर्ड चेक करें, जो 20 मैच से ऊपर खेला है 5 विजी ट्रॉफी खेला है वो बीसीसीआई की पेंशनर होगा, और जो 65 मैच खेला 10 विजी ट्रॉफी खेला वो 75 मैचेस वाला 25 लाख का बेनिफिशरी बनता है, और ये सारे के सारे बेनिफिट्स उनको एरियर के हिसाब मिलने चाहिए, या जिन्होंने लिए हैं उनके रिवर्ट होने चाहिए, और उन पे 420 का केस बनना चाहिए, दे शुड बी डिबार्ड, उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, उनके ऊपर सारे एक्शन होने चाहिए। आज के लिए इतना मेरे को लगता है, ये काफ़ी है, ये सारे लोगों को बताओ अच्छे से। अभी मैं सीनियर क्रिकेटर्स एसोसिएशन का भी क्लब का मेंबर हूँ, उसमें भी हिंदुस्तान के सारे जो पुराने क्रिकेटर हैं 70 साल से ऊपर के हैं सारे, वो भी मेंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन प्लेयर्स एसोसिएशन का भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ। तो ये तो मैं ये आधे घंटे में सारी बातें पूरे हिंदुस्तान में चले जाएंगी, तो ये बात अपने आप मेरे को जो जिनके मैसेज भी आए तो मेरे को मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करो, तो देखते हैं शाम तक कितने लोग इसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच।